माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दाखिल हुई थी, उसमें अब्बास अंसारी को जब उनके पिता मुख्तार अंसारी साहब उनकी मृत्यु हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हो सके थे, और आज सुनवाई हुई तो चूंकि कल उनका फातिहा है 10वीं का, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस फातिहे में उनको शिरकत करने के लिए इजाज़त दे दी है। अब रमज़ान का महीना है, फजर की अजान होती है सूर्योदय से पहले, और फजर की नमाज के फौरन बाद कुरान शरीफ की तिलावत का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा, और महिलाएं अंदर पढ़ती हैं और पुरुष जो है वो यहाँ, ये बरामदा है, यहाँ फातिहा होता है, यहाँ फातिहा पढ़ेंगे। ये दिन भर ये कुरान के पढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, और सूर्यास्त से पहले ये पढ़ने का सिलसिला बंद करके और मगरिब की अजान के साथ रोज़ा अफ्तार होगा, और फिर दिन भर में जो कुरान शरीफ पढ़ी गई जितने पारे और जितने ख़त्म, वो सब कलेक्ट करके एक जगह उसको तरतीब देके लिखा जाएगा, और फिर हाफिज़ जी और मौलाना साहब ये लोग सब लोग परिवार के सारे लोग मज़ार शरीफ पे जा कर के उनकी कब्र पर जा कर के फातिहा पढ़ कर के और जो कुरान पढ़ी गई है उसको बख्श देंगे, और अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसका सवाब जो है उनके हिस्से में और उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए, उनको जन्नत में आला मुकाम अता करने के लिए, उन्हें शहीद का दर्जा देने के लिए ये सब दुआ मांगी जाएगी। ये प्रोग्राम कल का है, कल के इस प्रोग्राम में अब्बास के शामिल हो जाने की वजह से परिजनों को बहुत राहत हुई है कि एक कमी खलती थी, वो मुख्तार का बड़ा बेटा है और ये बेबसी थी कि वो शिरकत नहीं कर सका मिट्टी में, न उनके उन पर दफन करने के जनाजे में, न नमाज जनाजा में। अब ये 10वीं के फातिहे में शामिल होगा। 12 तारीख को जो 13वां दिन हो जा रहा, चूँकि 30 तारीख को दफन हुए थे, तो 30 तारीख के 13वें दिन यानी 12 तारीख को हम लोग जो उनके मगफरत के लिए दुआए ख़ास यहाँ फैमिली के सारे लोग करेंगे, उसमें भी वो शिरकत करेंगे, और 11 तारीख ईद का दिन है, तो ईद के दिन हम लोग इस ईद को एक खुशी का त्यौहार या हर्षोल्लास का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। ये सभी धर्मों में होता है कि जिस त्यौहार के मौके पर परिवार में कोई ऐसी मौत हो जाती है तो उस त्यौहार को उसको खुशी के रूप में तो नहीं मनाया जा सकता, वो एक रस्म होगी। क्योंकि ईद का दिन एक रमज़ान की इबादत के सिले में अल्लाह की तरफ से इनाम देने का दिन है, इबादतों का के एवज में इनाम का, मगफरत का, बख्शिश का दिन है, इसलिए उस त्यौहार को तो सबको मनाना ही है, लेकिन हम सादगी के साथ उसको, और अब्बास चूँकि इजाज़त मिल गई है तो 11 तारीख को भी हम लोगों के साथ अपने वालिद के मगफरत की दुआ और अपने परिवार के लोगों के साथ सादगी के साथ इस ईद की रस्म को भी, जो पहली ऐसी ईद होगी जब मुख्तार साहब इस दुनिया में नहीं रहे और वो ईद फैमिली इस तरह से मनाएगी, तो उसमें भी शिरकत करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके क्रम में हम इसी तरह से सारे प्रोग्राम और इंतज़ाम करें कि हम उस आदेश का अक्षरशः पालन भी करें, और वो अब्बास जो जेल से आ रहे हैं, कस्टडी पेरोल उनको जो ग्रांट हुई है, वो उस अवधि में अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से या ऐसे तमाम
घर परिवार या पड़ोस के जो ऐसे लोग हैं जो उनके गम में उनके साथ मिल करके उनके गम को बांटना चाहते हैं और उन्हें हिम्मत और दिलासा देना चाहते हैं और उनके लिए दुआ करना चाहते हैं, हम सब लोग मिल करके इसको मनाएंगे, यही हम कह सकते हैं। वैसे में कल जब वो आएंगे तो क्या उसके लिए कोई टाइम फिक्स है, कितने बजे फातिहा के लिए जाएंगे या कभी भी जा सकते हैं? नहीं, फातिहा के लिए तो किरण डूबने के बाद, सूर्यास्त के बाद और फातिहा शुरू होने का जो कुरान शरीफ की तलावत शुरू होने का जो वक्त है वो सूर्योदय से पूर्व फजर की अजान के बाद, फजर की नमाज और नमाज के बाद कुरान शरीफ की तलावत शुरू हो जाएगी और ये तिलावत का सिलसिला दिन भर चलेगा। सूर्यास्त से पहले इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और अंतिम रोज़ा है, रोज़ा अफ्तार करने के बाद उनके कब्रिस्तान पर जाकर के जो कुछ दिन में कुरान शरीफ की तलावत हुई है उसको वहाँ बख्श दिया जाएगा। ऐसे में अगर बात करें तो कल वो जो जेल से आया, वहाँ से कासगंज से आ रहे हैं, तो क्या इसको लेकर प्रशासन से आप लोग कोई वार्ता हुई है या तो जेल में सिर्फ आएंगे या सीधे घर पर आएंगे? अब ये हम बता नहीं सकते, जो आदेश है उसके हिसाब से प्रशासन के लोग भी उसका अनुपालन करेंगे, हम लोग भी पूरा सहयोग करके उसका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे। हम आम लोगों से ये अपील करेंगे कि इस मौके पर अनावश्यक भीड़ भाड़ की भी ज़रूरत नहीं है, जो सगे संबंधी हैं, रिश्ते नाते वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बस हम लोग इसको चूँकि अब्बास की मौजूदगी में बहुत भीड़ भाड़ लगे और एक फिर कोई ना कोई इस बात को लेकर के प्रशासन या किसी के लिए एक तनाव बने, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम अपील करेंगे सबसे, मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से कि सब लोग इसमें सहयोग करें, इसको वो अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों के पास, अपने भाई से मिलने, अपने घर वालों से मिलने, आप सब लोग जो उनसे मोहब्बत कर रहे हैं सबसे मिलने की गरज से आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसे माहौल में एक वक्त भीड़ लगा देना भी हम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब पैदा होगा, इसमें मेहरबानी करके भीड़ ना लगाई जाए, अनावश्यक कोई ऐसा काम ना किया जाए, कोई किसी तरह की अपनी तरफ से ऐसी हरकत ना की जाए जो किसी को शिकायत करने का किसी तरह का कोई मौका मिले, क्योंकि अदालत के आदेश से ये सहूलत मिली हुई है तो हमें अदालत के आदेश का भी सम्मान करना है और अपना जो आ रहा है एक परिवार का एक सदस्य उसके गम को हमें बांटने की कोशिश करना है, उसे दिलासा देना है। उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है और वो पहली बार आ रहा, हम समझ सकते हैं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, तो हम सब लोगों को इस बात का लिहाज रखना है।